हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिकम। जैसा कि आप लोग सब समझ गए हो कि अब आप लोग को पता चल गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को होने वाली है। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आई है, आप लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। आप लोग बिल्कुल से परेशान हो चुके हो, क्योंकि अब आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी आप लोग कैसे फॉर्म करो। अब क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, ये सारी दुविधा जो है आप लोग के सामने आ चुकी है। करेंट अफेयर्स कितना यहाँ पर कवर किया जाए, ये सबसे बड़ी दुविधा आप लोग के पास ये चीज़ के लिए। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पर आप लोग के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है जो कि मैं डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट तरीके की बताऊंगी। सबके लिए एक जैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ बच्चे अलग होते हैं, कुछ बच्चे अलग होते हैं। तो यहाँ पे 2-3 स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी, जिसको आप लोग अपने हिसाब से, आप लोग देख लीजिए कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल होते हो, उस हिसाब से आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म कर सकते हो। क्योंकि विदाउट स्ट्रैटेजी आप चलोगे तो 4 महीना अभी आप लोग के हाथ में है, ये एकदम से निकल जाएगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे निकल गया। अभी आप लोग के माइंड में जस्ट ऐसी ही आपकी इमेज बन रही होगी कि क्या पढ़ूँ और कैसे पढ़ूँ, ठीक है। क्योंकि जब डेट आ जाती है ना, तो बस माइंड में ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ प्रिपरेशन करी ही नहीं, हमारी तो कुछ हुई ही नहीं है, ना ही ऑप्शनल तैयार है, ना ही हमारी मेंस आंसर राइटिंग तैयार है, ना ही मैं प्रीलिम्स के लिए रेडी हूँ। तो ऐसा माइंड में आने लगता है। बट डोंट बी पैनिक, रिलैक्स रहिए। मैं यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन का एक एक करके आंसर दूंगी। करेंट अफेयर्स पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि कितने महीने में यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, क्या 1 साल 2 साल 3 साल कब तक आपको लेकर चलना है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है कुछ इस तरीके से है। पूरे क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोग एकदम डूबे हुए हो कि क्या करना है नहीं करना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना। लेकिन आप लोग जैसे ही ये वीडियो देख लोगे ना, तो आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है एंड सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होने वाली है। ओके, तो आराम से बैठिए, आराम से सुनिए, इसको लास्ट तक सुनिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्विज़ के साथ, जो कि आप लोग के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। तो एक एक करके देखते हैं कि आपके माइंड में किस तरीके की क्वेश्चंस चल रही है। क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूं अभी से? क्योंकि आप लोग तो थोड़ा छोड़ चुके होंगे, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि 2 बार से जो है ना तारीख पे तारीख आपका दिया जा रहा था यूपीएससी के द्वारा। तो आप लोग टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी घिस चुके होंगे, जो कि अगर आप लोग मई मंथ को टारगेट करके चल रहे होंगे, तो बीच में मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे टेस्ट सीरीज छोड़ दिए। जो छोड़ दिए हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, जो नहीं छोड़े वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट कर दूँ या ना स्टार्ट कर दूँ, ये दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन यही है, जो बच्चे आंसर राइटिंग करते आ रहे थे उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब क्या करूँ, आंसर राइटिंग छोड़ दूँ या नहीं छोड़ूँ, या अभी भी कंटिन्यू रखूँ। तो इसकी भी जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तीसरी जो बहुत बड़ी धांसू सवाल होती है माइंड में कि यार ऑप्शनल का क्या करूं अब, है कि नहीं? क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ माइंड में आने लगती है और कुछ समझ में नहीं आता। अल्टीमेटली हम लोग फेड अप हो जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ों को इतने कम समय में कैसे टैकल करें। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को इतने कम समय में टैकल करने के लिए आपको बस एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है स्ट्रैटेजी। जैसे ही आपने स्ट्रैटेजी बना ली, अपनी रूटीन बना ली, आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो झट से खत्म हो जाएगी। बस आपको करना क्या है कि उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी है, रूटीन के हिसाब से आपको अपने हर एक दिन की जो टारगेट है उसको अचीव करनी है। तो ये तो 3 बेसिक क्वेश्चन है आपके माइंड में जो घूम रही है, और कैसे टैकल करें ये अब तक आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आइए कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, और सबसे बड़ी सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा मोर देन 60% जो यहां पे आपकी वेटेज होती है वो करंट अफेयर्स की होती है। अब मैं यूपीएससी की ही बात छोड़ दूं, दूसरे एग्जाम की भी बात करूं, तो हर एक एग्जाम की नींव अब करंट अफेयर्स हो चुकी है। मतलब आप लोग समझ गए हो कि करंट अफेयर्स पर आप कमांड करते हो तो काफी चीजों पर आपका ऑटोमेटिक कमांड हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को स्टैटिक पोर्शन इग्नोर करके चलना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आगे उसके बारे में बात करूंगी, पहले करंट अफेयर्स पे डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको लेकर चलना है। अब आप लोग तैयारी जो कर रहे थे वो 31 मई को ध्यान में रख के कर रहे थे, राइट? ठीक है, जितने भी बच्चे कर रहे होंगे 31 मई को ध्यान में रख के कर रहे होंगे, और जितने भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रखे होंगे वो लास्ट 1 ईयर की यहाँ पे करेंट अफेयर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। 1 ईयर कहने का मतलब है कि जून 2019 से आप लोग चलना स्टार्ट किए, जून 2019 की जो है आप लोग सारे करेंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से पढ़ डाले, वो भी कब तक, तो आप लोग मार्च तक तो पढ़ ही डाले होंगे। और जब तक मेरा यहाँ पे PT 365 आ रहा है तब तक तो आप लोग कंटिन्यू हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग कंटिन्यू है ना। इट मीन्स कि आप लोग PT 365 जो कि 1 साल
का निचोड़ होता है विजन आईज की मैगजीन का, उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। और अगर नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा टाइम है, यूपीएससी ने आपको टाइम दे दिया है कि भैया एपीटी 365 कंप्लीट कर लो, वरना आपका कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं, क्योंकि वो मैगजीन बहुत अच्छी होती है। मैं पर्सनली रिकमेंड इसलिए करती हूँ क्योंकि उस मैगजीन में आपको हर एक न्यूज़ देखने को मिलेगा। अगर आपने न्यूज़पेपर अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो तो क्या ही कहना, इससे अच्छी बात कभी दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। लेकिन समटाइम्स ऐसी भी होती है कि तबीयत खराब हो गई, कुछ आपका पर्सनल इश्यूज़ हो जाता है, कुछ प्रोफेशनल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, जिसके कारण समटाइम्स आप हिंदू न्यूज़पेपर नहीं फॉलो कर पाते हो और उसी दिन कुछ बड़ी न्यूज़ आती है और वो आप मिस आउट कर जाते हो। तो उसको जो कवर किया जाता है ना, वो मंथली मैगजीन में कवर की जाती है। इसलिए मैं हमेशा आपको फोकस करती हूँ कि मंथली मैगजीन एक तो आप फॉलो करो, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की ले लो, विजन आईएएस, इनसाइट आईएएस, देयर आर एम्पल्स ऑफ मंथली मैगजीन्स आर अवेलेबल इन मार्केट। तो ये आपको चुनना है कि आपको कौन सी यहाँ पे मंथली मैगजीन अच्छी लग रही है, तो वो आप लोग चुन लीजिए, ठीक है। कोई इसमें इशू नहीं है, मैं एकदम से आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि आप विजन आईएएस ही पढ़ो तो ही एग्जाम क्लियर होगा, नो ऐसा नहीं है। विजन आईएएस बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन किन का क्लियर होता है और किन का नहीं क्लियर होता है ये भी रेशियो आप लोग को पता है। पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक बार आप लोग रीड आउट कर लो तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग हर तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन आपको पता है कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड दी नहीं जाती है, हमेशा ट्रिकी होती है, हमेशा एकदम जलेबी की तरह सीधी होती है ना, अब आप लोग समझ ही रहे हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स पे जो है ना, एक होता है ना कि बेस आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना है। अब यहाँ पे आपके लिए दो बात है, पहले तो ये है कि आप लोग ने एक साल की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली है करंट अफेयर्स की, उसको आप लोग कहीं भी छोड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए मिनिमम जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एक साल की होती है, एक साल की करंट अफेयर्स तो कहीं नहीं जानी है, एक साल की करंट अफेयर्स में से आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है यूपीएससी में। लेकिन अगर आप अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हो और आपके पास टाइम है, अगर आप लोग काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हो, कहने का मतलब है कि 2-3 साल तो हो गए आपको तैयारी करते हुए और करंट अफेयर्स से लगाव हो गया है, आप लोग 2-3 साल से न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो, तो आपके लिए मैक्सिमम जो यहाँ पे करंट अफेयर्स का कवरेज होना चाहिए वो 2 साल का तो होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग का जो कवरेज होना चाहिए वो 2019 के स्टार्टिंग से, जनवरी से लेकर जो है अब तक, यानी कि 2020 अक्टूबर तक जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। अक्टूबर तक तो चलिए, 4 अक्टूबर को तो एग्जाम ही है, कम से कम आपके सितंबर 30 तक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये 1.5 साल की मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको बोल रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर एनालिसिस किए हो, आपकी प्रीलिम्स की जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें आप लोग को ये समझ में आएगा ना कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछती है जो कि लास्ट करंट में होती है, 3 महीने में होती है, कुछ क्वेश्चन आपको एक दो ऐसे देखने को मिलेगा जो लास्ट 6 मंथ की होती है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेगा 2-3 जो लास्ट 1 ईयर्स की होती है। लेकिन हाँ, जब क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना है तो टफ कौन सी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, जब वो क्वेश्चन पेपर आपका 2 साल पुराना करंट अफेयर्स का हो, और ऐसे क्वेश्चंस आपको 2-3 तो जरूर देखने को मिलेंगे, और वही 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको यहाँ पे आपका कट ऑफ क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये कौन सी आपको किस तरीके के स्टूडेंट को ये बेनिफिट होता है, उस तरीके के बेनिफिट स्टूडेंट को बेनिफिट होता है जो कि लास्ट 2 ईयर्स से यहाँ पर रेगुलर स्टडी करें, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करें, तो उन सारे बच्चे जो है ना इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आराम से टैकल कर पाते हैं। तो यही बात है कि अगर आपने अभी तैयारी करनी शुरू करी है, यानी कि 2020 को दिमाग में लेकर अगर आप लोग 3-4 महीने से तैयारी शुरू कर रहे थे, तो ये आप लोग के लिए एक अच्छा एम्पल पीरियड ऑफ टाइम आपको मिल चुका है कि आप लोग अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को जो है ना 1.5 साल का तो कंप्लीट कर ही ले। 2019 से आप लोग जो है स्टार्टिंग से जनवरी से नहीं कर सकते तो जून से तो ज़रूर लगा लीजिए सारी पेपर। जून से आप लोग मंथली मैगजीन उठाओ और सारी जितनी भी करंट अफेयर्स है ना पढ़ जाओ, वो भी सितंबर 2020 तक। आपको कोई नहीं रोक सकता, करंट अफेयर्स में जितनी क्वेश्चन आएगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं गारंटी देती हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी प्रीलिम्स तो कट ऑफ है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, आपको कौन सी वहाँ पे मार्क्स आपको गेन करनी है और आपकी मार्क्स कहीं भी फाइनल मेरिट लिस्ट में कहीं नहीं ऐड होने वाली है, तो बस अपना ऐसा बेला पार कीजिए कि आप बस इस नैया को पार कर जाओ। ऐसा आपको स्ट्रैटेजी लेकर चलना है कि बस आपको जो कट ऑफ है, और कट ऑफ आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे तो 110 प्लस माइनस ही जा रहा है, और आपको सेफ जोन में रहना है तो 120 प्लस लेकर आइए, बस इतना ही लेकर आना है। और उसके लिए अगर आप करंट अफेयर्स पर कमांड कर लिए तो क्या ही कहना, ठीक है। ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि जो बच्चे न्यू हैं, फ्रेशर हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूं कि आप लोग जो है ना कम से कम लास्ट 1 ईयर्स की तो कंप्लीट करके चलो। इट मींस कि अगर नहीं भी हो रहा है ना तो सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक जरूर कंप्लीट कर लो। लेकिन मैं उस स्टूडेंट के लिए ऐसा कहना चाहूंगी जो कि लास्ट 2-3 ईयर्स से अगर आप लोग लगे हुए हो, तो आप लोग के लिए यहां पे सजेशन है कि आप लोग जून 2019 से तो बिल्कुल ही लेकर चलो, और साथ ही साथ सितंबर 2030 तक, ठीक है। और इस दोनों में इंक्लूड होना चाहिए एक कॉमन है, वो है पीटी 365। प्लीज डोंट नेग्लेक्ट दिस मंथली ईयरली मैगजीन। ईयरली मैगजीन में जो है ना, अगर आप लोग मंथली मैगजीन भी नहीं कवर कर पा रहे हो, तो आप लोग ईयरली मैगजीन को जरूर एक बार फॉलो करो, क्योंकि वो आपकी जो है ना
60 टू 70 पेजेस की होती है, लेकिन उसमें करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा कि सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है। तो इसको तो आप निगलेक्ट किसी भी कॉस्ट में नहीं कर सकते हो, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो। ओके, तो ये तो आपका फंडा क्लियर हो गया है कि करंट अफेयर्स में आपका इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन वैसे बच्चे भी होते हैं जो कि सेफ जोन में, अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हो और जिनके पास कैपेसिटी होती है एक दिन में कि वो 12-14 घंटा पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी है कि आप लोग जो है ना जनवरी 2019 से तो यहाँ पर ज़रूर फॉलो करना स्टार्ट कर दो। जनवरी 2019 से लेकर आप जो है सितंबर 2020 तक अगर आप लोग पूरा पढ़ते हो तो ये आपकी जो है ना सेफ साइट हो जाएगी। और अगर आप लोग इसके लिए लेसन चाहते हो तो लेसन आप लोग को अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोग जो है मेरी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए। किस में मेल करना है? तो rishika.ch77@gmail.com। मेरे यहाँ पे चैनल पे आपको पूरी तरीके से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन के साथ साथ PT 365 की भी पूरी लेसन्स अवेलेबल है, लेकिन कुछ ही लेसन यहाँ पे आपको विजिबल दिखेगी प्लेलिस्ट में। सारी लेसन्स मुझे हाइड करनी पड़ी क्योंकि विजन आईएएस की अभी वार्निंग आई है कि मैं उनकी मैगजीन से PDF से जो है ना डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकती। तो मैं जो कंटिन्यू कर रही हूँ वो PPT के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1-2 महीने के बाद फिर से PDF पे ज़रूर आऊँगी। मंथली मैगजीन मैं PDF से ही आपको डील करूँगी, ठीक है? क्योंकि PPT से डील करना थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है मेरे लिए, तो मैं डायरेक्टली जो है आपको PDF से ही यहाँ पे आपको करूँगी। लेकिन इस ईमेल में आप मुझे अगर मेल करते हो तो मैं आपको 2019 से जो आपकी मंथली मैगजीन है उसकी सारी प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से, तो वहाँ पे भी आपको सारे जितनी भी लेसन्स है ना विजन आईएएस की करंट अफेयर्स वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अब आपकी प्रॉब्लम जो है करंट अफेयर्स को लेकर वो शॉर्ट आउट हो गई है। अब आते हैं हम लोग एक अच्छे खासे प्रॉपर स्ट्रैटेजी में जो कि 4 महीने में आपको लेकर चलना है। ये भी मैं 2 तरीके का स्ट्रैटेजी बताऊंगी, एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो कि एक फ्रेशर होते हैं और एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं 2-3 साल से लगे हुए हैं इसी एग्जाम के लिए, ठीक है? दोनों के लिए तो डिफरेंट फंडा होता है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी। देखिए 4 मंथ आपके पास है, आप सिंपली क्या कर सकते हो ना कि 4 मंथ को 4 तरीके से डिवाइड कर दो। 1 मंथ में आप अपनी पूरी ऑप्शनल को कवर कर लो, क्योंकि आपको ये माइंड में लेकर चलना है कि प्रीलिम्स के बाद आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, ठीक है? क्योंकि 4 अक्टूबर को आपका कंप्लीट होगा आपका प्रीलिम्स, उसके बाद आपका जो है 8 जनवरी से जो है आपकी मेंस स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि प्रॉपर आपको जो है नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, लमसम आपके पास 2 महीने नवंबर दिसंबर ही रखिए, क्योंकि अक्टूबर का मंथ जो है और 15-20 डेज जो है ना आप कभी पैनिक हो गए, आपकी कभी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी मूड नहीं होगा पढ़ने का, और प्रीलिम्स के बाद कभी आप सोचोगे बाउंड्री लाइन में हो तो और आपको प्रॉब्लम होगी कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा, चलो रिजल्ट ही देख लेते हैं, रिजल्ट के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके का डिलेमा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम आपके पास जो है आपकी 60 डेज बची रहेगी मेंस के लिए, और ये बहुत कम है अगर मैं आपको सिंसियरली तरीके से बताऊं तो। आप लोग जितने भी सिंसियर स्टूडेंट हो ना, लेकिन 16 डेज में अगर आप लोग को मेंस की तैयारी करनी है और मेंस का पूरा स्ट्रैटेजी लेकर चलना है तो ये बहुत कम होता है, ठीक है? पहले क्या है कि 3-3.5 महीने मिल जाते थे, बट अब आपके पास सिर्फ 22 मंथ्स है। तो अभी आपको जो है ना अपनी मेंस और ऑप्शनल, ऑप्शनल को तो हाथ में लेकर ही चलना है क्योंकि आपको मार्क्स गेन करना है और आप लोग को जो है टॉप रैंकिंग में आनी है, तो ऑप्शनल में आप लोग को मास्टर बनना पड़ेगा। तो 1 मंथ जो है आप पूरी रगड़ के अपने ऑप्शनल को ख़त्म कीजिए, सारी चीज़ों को सारे मटेरियल को एक जगह कंसोलिडेट करके रख दीजिए। ऐसा रख दीजिए कि जैसे ही आपकी प्रीलिम्स होती है उसके बाद जो है ना बस आपको ज़्यादा फोकस करना ना पड़े, बस आप लोग जो है ना थोड़ा बहुत जो है टेस्ट सीरीज लगा लो और रिवाइज कर लो उस चीज़ों को, तो आपका जो है 2 महीने में काम बन जाए, ठीक है? ऐसा आप लोग कर सकते हो। दूसरे मंथ क्या कर सकते हो ना कि रगड़ के एकदम आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो कि 3-3 घंटे का जो है ना आप लोग स्लॉट बनाकर अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कंप्लीट करो, या फिर आप लोग कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो वो आप लोग लिखना स्टार्ट करो, या फिर इनसाइट आईएएस में डेली 5-6 क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से आप लोग 1 महीने का टारगेट लेकर पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको भी आप लोग छोड़ सकते हो। क्या होता है कि 1 महीने में अगर आप डेली अगर 10 क्वेश्चन भी लिख रहे हो, 10 भी नहीं अगर 6 क्वेश्चन भी लिख रहे हो ना, तो आपके 1 महीने में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे और आपकी जो टॉपिक पे पकड़ है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? फिर 1 मंथ जो है आप पूरी स्टैटिक जितनी भी आपकी सिलेबस है प्रीलिम्स की उसको आप लोग पूरी तरीके से रिवाइज कर लो मल्टीपल टाइम्स, जितने टाइम आप लोग कर सको। मैक्सिमम हर किसी का एक लिमिट होता है, लेकिन आप लोग मैक्सिमम जितना करना चाहो। अब आपकी स्टैटिक में कौन कौन सी यहाँ पे सब्जेक्ट आती है, तो सबसे पहले है आपकी हिस्ट्री, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जियोग्राफी, फिर आपका यहाँ पे आता है
इकोनॉमी, फिर आपकी इसी में आती है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री के साथ साथ आपका आर्ट एंड कल्चर भी आता है कि नहीं, और ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आती है, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद आपकी पॉलिटी हो गई। तो ये पाँच जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको किसी भी तरीके का छिड़खानी नहीं करना है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग छिड़खानी करते हो, और एक आपका आता है साइंस एंड टेक, तो चलिए इसमें अगर आप लोग छिड़खानी करते हो तो फिर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो हिस्ट्री के लिए आप लोग को पता है, या तो आप तमिलनाडु की जो आपकी बोर्ड की जो बुक होती है 11 और 12 की, वो आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग जो है ना स्पेक्ट्रम के लिए राजीव अहिर की बुक है वो फॉलो कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के लिए या तो आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करो या तो नितिन सिंघानिया फॉलो करो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करो 11 12, या तो 6 to 12 आप लोग पढ़ सकते हो अगर आप लोग ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा वीक हो तो। साथ ही साथ जीसी लियोंग भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। इकॉनमी के लिए आप लोग जो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी हो सकते हो, या फिर आप लोग जो है एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो 11 और 12 की, या फिर आप लोग जो है ना रमेश सिंह की बुक भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉलिटी के लिए तो एक ही आपकी महारत है जो कि एम लक्ष्मीकांत है, इसको तो अच्छे तरीके से जितनी बार मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो ज़रूर कर जाइए। साइंस एंड टेक आप लोग पूरी तरीके से करेंट ओरिएंटेड रहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें भी आप लोग को साइंस एंड टेक की, अगर आप लोग विजन आइज की मंथली मैगजीन फॉलो करोगे ना, तो करेंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी आपको सारा चीज़ पता चल जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस पर हम लोग मार्च मंथ की देख रहे हैं, तो कितना डिटेल में समझाया गया है, वायरस की पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को हम लोग डील किए हैं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि साइंस एंड टेक आपका सिर्फ करेंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आती है, तो ये तो स्टैटिक ही है, तो इतनी बुक्स को कवर करने में और मल्टीपल रिवीजन करने के लिए आपको एक महीने का समय जो है ना बहुत ही कम होता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो। और लास्ट की जो एक मंथ है यानी कि सेप्टेम्बर की जो मंथ है, इतना पढ़ लेने के बाद जो है ना आप पूरे बाबा बन जाओगे, और बाबा बनने के बाद आपको प्रूफ किससे करना है, तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है टेस्ट पेपर लगाकर। एक महीने जो है ना आप लोग एकदम स्लॉट बनाइए और आराम से 2-2 घंटे का जो है ना आप लोग पेपर लगाना स्टार्ट कीजिए। लास्ट मंथ में पूरा इतना टेस्ट दीजिए ना कि आप लोगों को टेस्ट ना बस गेम लगने लगे, क्वेश्चंस आए और आप उसको गेम की तरह खेल के निकल जाओ। इस तरीके का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप लोग न्यू टेस्ट सीरीज कहीं भी मार्केट से उठा के ले आओ, कोई भी आपको मिलता है बस आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। इससे क्या है ना कि आपकी जो क्वेश्चन की सॉल्विंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस ये काम आपको करना है, ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो कि क्योंकि 4 मंथ है और 4 चीज़ों को आप लोग को यहाँ पर कवर करनी है। ये चीज़ आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि उस तरीके के बच्चे जो कि फ्रेशर हैं, फ्रेशर वाले को क्या करना है ना कि स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्टैटिक और करंट, इन दोनों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा तभी तो मेंस लिखिएगा, है कि नहीं। तो पहले प्रीलिम्स को क्लियर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ही आपकी जो है सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होती है। 5 लाख बच्चे यहाँ पर आपके बैठते हैं, उसमें से कितने आपके सेलेक्ट होते, तो सिर्फ आपके 40,000 बच्चे सेलेक्ट होते, है कि नहीं, 40 से 50,000 बच्चे सेलेक्ट होते, तो उस नंबर पर आपको वहाँ पर आना है। तो प्रीलिम्स को ऐवे ही नहीं लेना है, प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल भी होता है बहुत लोगों के लिए। तो यहाँ प्रीलिम्स में आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि आप लोग फ्रेशर हैं, ठीक है। आप लोग एक आंसर राइटिंग डेली लिख सकते हैं, नो इशू। अगर आप लोग को लगता है कि आपकी स्टैटिक पे अच्छी कमांड हो चुकी है, आप लोग करंट अफेयर्स अच्छे से टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ चुके हो, तो एक आंसर राइटिंग आप लोग डेली कर सकते हो। अब ऐसा मत करना कि एक मंथ जो है आप लोग सिर्फ आंसर राइटिंग कर रहे हो, नो, आप लोग के लिए ये नहीं सही होगा। आप लोग एक आंसर राइटिंग डेली कर सकते हो, या फिर वीक में आप लोग वीकेंड में करो, या फिर जो है एक हफ्ते में आप लोग 3 दिन करो। इस तरीके का आप लोग को अपना एक स्ट्रैटेजी रखना है, और स्टैटिक और करंट अफेयर्स पर पूरा फोकस कीजिए। और साथ ही साथ प्रीलिम्स की बात करूं तो आपके लिए 2 महीने की प्रीलिम्स की यहां पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अक्टूबर में आपकी एग्जाम है, तो अगस्त सितंबर 1.5 महीने या 2 महीने आप लोग पूरा यहां पे टेस्ट सीरीज पे आप लोग फोकस हो सकते हो। अगर आप लोग पहले भी टेस्ट सीरीज अच्छे से अगर ज्वाइन किए हो, जो कि आप लोग अगर मई मंथ का लेकर चलते हो, तो पहले भी अगर आप लोग ज्वाइन किए हो और पहले भी अगर 2 महीने का स्लॉट लगाकर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी है, तो आप लोग 1 मंथ के लिए जा सकते हो। नहीं पहले अच्छे से प्रैक्टिस किए तो फिर यहां पर आपको 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये फ्रेशर के लिए, लेकिन उन तरीके के बच्चे के लिए जो कि 2-3 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग कंसोलिडेट कर लो अपने ऑप्शनल को, क्योंकि अच्छा खासा पकड़ हो चुका होगा आपके ऑप्शनल के लिए। और 1 मंथ जो है ना, आप लोग 1 मंथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ लिख रहे हो। नहीं लिख रहे हो तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नहीं लिखोगे तो आप लोग के लिए फिर जो है ना इतना साल ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, तो आप लोग के पास एक टॉपिक के ऊपर अच्छा खासा पकड़ होता है, आपके पास नॉलेज भी होती है, आपके पास डेटाज भी होते हैं जो कि आप आंसर एक अच्छा लिख सको। तो ये काम करना है कि आप लोग को डेली आंसर लिखनी ही है, ठीक है। 1 महीने का मत स्लॉट लगाइए, आप लोग डेली आंसर लिखिए, 2-3 जितना भी आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से लिखिए। स्टैटिक पोर्शन पे आप लोग अपना रिवीजन भी करते रहिए, वो डेली बेसिस पे भी आप लोग कोई कोई सब्जेक्ट उठा के कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग पर्टिकुलरली 1 मंथ देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट अगर लगानी है, तो वो 1 महीना आप लोग के लिए बहुत है। लास्ट सिर्फ सितंबर मंथ दीजिए, उसमें आप लोग पूरी प्रैक्टिस कीजिए, उससे पहले जितना रिवीजन कर सकते हैं ना उतना आप लोग रिवीजन कर लीजिए। लेकिन फ्रेशर बच्चों के लिए मैं ऑप्शन बताना भूल गई, ऑप्शनल के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं,
ऑप्शनल की क्या कर सकते हो ना कि अभी जो आपका जून मंथ है, जून मंथ में आप ऑप्शनल पढ़ लो, ठीक है। जून मंथ में ऑप्शन जितना पढ़ना है आप पढ़ लो, लेकिन इसके बाद ऑप्शनल मत पढ़ना, क्योंकि ऑप्शनल पढ़ोगे तो आपका कहीं ना कहीं करंट कट जाएगा, कहीं ना कहीं आपका जो है प्रीलिम्स से आपका जो है ध्यान हट जाएगा। ऑप्शनल अभी आप जून में रगड़ के पढ़ लो, उसके बाद आपका जुलाई अगस्त जो सेप्टेम्बर का मंथ है उसमें आप लोग अपने स्टैटिक और करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करो, कंप्लीट करो और साथ ही साथ टेस्ट लगाइए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी प्रीलिम्स हो जाएगी ना, तो आप लोग जो है ना कम समय पर भी जो है अपनी ऑप्शनल को अच्छे तरीके से आप लोग पूरी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्रेशर में पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। 2 महीने का टाइम हो या 1 महीने का टाइम हो, अगर आपको करना है, निकलना है, तो आप किसी भी तरीके से निकल लोगे, ठीक है। एग्जाम आपकी क्लियर हो जाएगी, उसकी कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन अगर फ्रेशर हो तो पहले आप लोग फोकस कीजिए। अभी जून में आप लोग ऑप्शन को देख सकते हो जितना देखना है, उसके साथ साथ आप लोग स्टैटिक और जो है अपनी करंट अफेयर्स पर और टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये मैं 2 स्ट्रैटेजी बनाई हूँ दोनों के लिए, और ये जो स्ट्रैटेजी है ना ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको कोई भी फॉलो कर सकता है। या तो आप लोग फ्रेशर हो तो भी फॉलो कीजिए, या आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो तो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये सबके लिए है, ये वाली स्ट्रैटेजी सबके लिए, लेकिन इसके अलावा मैं जो बताई हूँ आप लोग को डिवाइड करके, वो स्ट्रैटेजी भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये तो ये 4 मंथ को ना बहुत अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करके एक अच्छा अच्छे तरीके से आप लोग जो है प्रीलिम्स मेंस आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो। सो आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज़ यहाँ पे समाप्त हो गई होगी, सारी क्वेरीज़ का आंसर आप लोग को मिल गया होगा, और अब आपकी इस फेस जो है ना बिल्कुल इस तरीके से स्माइल करनी चाहिए, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी गुड फील कीजिए। लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोग बताइएगा। अभी भी आप लोग को क्या ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ भी सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाई, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आंसर कर दूंगी। मुझे मेल कीजिए, मैं मेल में आपके आंसर कर दूंगी, ओके। मैं हमेशा आप लोग के लिए प्रेजेंट हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स है मुझसे आके आप लोग शेयर कर सकते हो रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कितने बच्चों को यहाँ पर जो भी दुविधा था वो दूर हुआ, और इस तरीके से आप लोग जो है अब जाके रिलैक्स करो कि एक अच्छा स्ट्रैटेजी मिल गया है, इस स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ आप उसी पे 100% रियलाइज रहो, नो, बट आप कुछ तक कुछ तो यहाँ पे से फेच कर सकते हो। आपको अगर मेरी स्ट्रैटेजी सही लग रही है, कुछ भी सही लग रहा है, तो आप 1-2 पॉइंट जो है ज़रूर यहाँ से फेच कर सकते हो, बस यही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो गाइज बस इतना ही आज के लिए, अब हम लोग रेगुलर यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। आपको मंथली यहाँ पर विजन आईएएस की मैगजीन्स मिलेगी, नहीं मिलेगी तो टेलीग्राम में देख लीजिएगा, लेकिन अभी मार्च मंथ से आपका स्टार्ट है तो मार्च मंथ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, और मंथली मैगजीन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे जो है स्टैटिक भी देख सकते हो। स्टैटिक में क्या है कि मैं यहाँ पे मैगजीन योजना मैगजीन है इसको डील कर रही हूँ, और इस मंथ की बहुत ही फैंटास्टिक मैगजीन थी, तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे शंकर आईएएस अकेडमी की जो इन्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको पॉलिटी की भी लेसन मिल जाएगी, और तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की बुक है वो यहाँ पे 11th की चल रही है। तो इस तरीके से आप लोग और भी लेसन को यहाँ पे देख सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो अगर ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल हुई, आपको लगा कि मैं आपके क्वेरीज का यहाँ पे सोल्यूशन लेकर आई हूँ, तो बस एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, तभी मैं आप लोगों के लिए इतना सोच पाती हूँ और इतना आप लोगों के लिए हेल्प कर पाती हूँ, और मुझे उसके बदले में सिर्फ एक लाइक चाहिए, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू।